Hello beautiful souls, this is Monica Agarwal and I welcome you to my channel. आज बहुत ही special day है क्योंकि आज इस बार त्योहारों की मुहूर्त काफ़ी सारे बन रहे हैं. दो दो दिन में एक त्यौहार और एक एक दिन में कई त्यौहार हो रहे हैं. तो आज के दिन गोवर्धन पूजा भी है, अन्नकूट भी है और भाई दूज भी अभी तो फिर से शुरू हो रहा है. तो मैंने सोचा कि इतनी अच्छी एनर्जीज यूनिवर्स में है तो क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लाया जाए. तो मैं आज आप लोगों के लिए मोस्ट डिमांडेड कॉफ़ी रीडिंग्स लेकर आई हूँ और इसको हम जनरल एंड शॉर्ट रीडिंग रखेंगे क्योंकि त्यौहार का भी दिन है तो बहुत सारे काम होंगे सबको ही, आपको भी और मुझे भी. तो हम शॉर्ट रीडिंग रखते हैं. तो यहाँ मैंने स्पेशल टर्किश कॉफ़ी जो कि यूज़ करते हैं कॉफ़ी कप रीडिंग में, मैंने दो कप यहाँ पे बना के रखे हैं. ये लेफ्ट है और ये राइट है. मैं इन दोनों कप्स को सिप करूँगी एनर्जी लेकर और आपने अपने मन से आपने ध्यान लगाना है, अपने सांसों पे ध्यान लगाइए और आप प्रे करिए कि जो भी आपके लिए कप डिस्टाइंड है वो आपको एंजल्स हेल्प करें सिलेक्ट करने में. और अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट कप या राइट कप. मैं दोनों का प्रॉपर रीडिंग करूँगी. ये देखिए, ये लेफ्ट कप का कॉफ़ी है जो मैंने बना के रखा हुआ है और ये राइट कप का कॉफ़ी है. तो मैं पहले लेफ्ट कप को सिप करूँगी और राइट कप को भी सिप करके उसके बाद जो प्रोसेस है वो करने के बाद फिर मैं रीडिंग करती हूँ. तो पहले लेट्स सिप द कॉफ़ी, लेट मी टेक द एनर्जीज एंड सिप द कॉफ़ी एंड कम अप विद द शेप्स एंड देन आई विल टेल यू कि जिन्होंने लेफ्ट कप सेलेक्ट करा है उनके लिए क्या रीडिंग कहती है और जिन्होंने राइट कप सेलेक्ट करा है उनके लिए क्या रीडिंग कहती है. सबसे पहले जिन भी लोगों ने लेफ्ट कप का सिलेक्शन करा है उनका कप मैंने सिप कर लिया है और हमने यहाँ पर वाइब्रेशंस क्रिएट करके अब हम इन कप को देखेंगे इस कप की रीडिंग क्या कहती है. तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले तो सॉसर पे जो कॉफ़ी आई है वो बिल्कुल कॉर्नर में एकदम चांद की शेप में और यहाँ से एक हल्का सा डिज़ाइन आ रहा है. तो ये डेफिनेटली ये शो करता है कि जो भी लोगों ने ये कप सेलेक्ट करा है वो काफ़ी अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं या काफ़ी जैसे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि अपने इमोशंस को बहुत ईजिली लोगों को शो नहीं करते हैं, काफ़ी चीज़ें मन में रखते हैं, सोचते हैं कि हमारी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो, उस टाइप के ये लोग हैं. अब हम कप में देखते हैं कप क्या बोल रहा है. तो ये कप है, देखिए यहाँ पे ये कप इनका ना रीडिंग के साथ सिंक हो रहा है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो गई हैं. बहुत सारे ग्रजेस, कुछ लोगों ने आपके साथ अच्छा करा बुरा करा, जो बहुत सारा एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो गया जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ला रहा है आपके वर्क में, आपके प्रोफाइल में और आपके प्यार में या आपके रिलेशनशिप्स में. तो अब ये टाइम आ गया कि आपको ये पुराने तरीके और जो पुराने ग्रजेस इनको रिलीज़ करना है क्योंकि हो क्या रहा है कि आप रियलाइज़ तो करते हैं कि मुझे ये रिलीज़ करना है लेकिन जब वो करने की बारी आती है आप फिर से एक कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं. थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो चाहे कुछ हो उसके बाद आप वो कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं और उसके बाद फिर आपका लाइफ फिर से वापस वैसा का वैसा स्टार्ट हो जाता है. अब यहाँ पर ना मुझे एक बहुत ही इनका कप ना बहुत क्लीन आया. इन्होंने मन में बहुत चीज़ें अपने को हर्ट करी हैं, अपने आप को दबाई हैं लेकिन किसी के प्रति ना मैल नहीं रखा हुआ है. ये ग्रजेस रखे हुए हैं कि लोगों ने मेरे साथ बुरा करा, उनको बुरा लगता है, हर्ट रखा हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में रहते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा इमेज बन रहा है जो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अभी फ्यूचर में आने वाले 2-3 महीने में इनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलने वाली है जो इनको यहाँ जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से वो बाहर जाना होगा या इनका ग्रोथ होगा. अगर बहुत टाइम्स इनका जॉब प्रमोशन ये सब रुका पड़ा है तो इनको मिलने के चांसेज हैं. बस ज़रूरी है कि जब ये नई चीज़ें इनके सामने आए तो अब ये नए तरीके अपनाएं उसको हैंडल करने के, ना कि पुराने तरीकों से रहें क्योंकि फिर वो पैटर्न वो अपनाएंगे तो इनको फिर दिक्कत और सेम समस्या का समाधान मतलब सामना करना पड़ सकता है. अब यहाँ पर ना इट्स देखिए एक दीपक का शेप मुझे नज़र आ रहा है. यहाँ पर एक दीप बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि ये डिनोट करता है कि आई एम सो सॉरी, ये डिनोट करता है कि डार्कनेस के बाद रोशनी होती है.
तो अब आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ना है, आपको वो सब चीजें करनी है जो आप अपनी लाइफ में कभी कर नहीं पाए या जिसके प्रति आपका माइंड क्लोज रहा। कि आप में से बहुत लोगों ऐसे होंगे जो अपने ही प्रोफाइल के सेम लोगों को सोच देख के सोचते होंगे कि हम भी ये करें, लेकिन कहीं ना कहीं आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ कंफर्ट जोन वो नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए आपको अपने प्रोफेशन के लिए या अपने करियर के लिए कुछ चेंजेस लाने हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं, अपने हैबिट्स में सुधार करना है, लेकिन फिर वो यार चल रहा है तो चल रहा है टाइप का हो जाता है, वो आपको करने की जरूरत है क्योंकि ग्रोथ के लिए वो बढ़ना है। और यहाँ पे दीपक यही शो कर रहा है कि आपसे आप अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस दीपक के साथ एक नीचे एक हाथ भी आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई आपको एक ऐसा मिलेगा जो उस रोशनी की तरफ लेके जाएगा, कोई रोशनी आपको दिखा रहा है, मतलब कोई आपको गाइड कर रहा है। आपको जरूरत क्या है, उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करने की। और यहीं पे ये शेप बनती जा रही है, यहाँ पर एक हाथ के ऊपर दीपक है और यहाँ पे देखिए वो दीपक के सामने एक लेडी बैठी हुई है या एक इंसान बैठा हुआ है जो उस दीपक की तरफ बत्ती लेके मतलब उस दीपक को जलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक हाथ आ रहा है जो आपको रोशनी दिखा रहा है, आपकी तरफ दीपक बढ़ा रहा है, और दूसरा आपको वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपको उसे जलाना है, प्रज्वलित करना है, क्योंकि जब तक आप वो प्रज्वलित नहीं करोगे वो रोशनी आपके जीवन में नहीं आएगी। सो इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज एंड अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज कमिंग आउट ऑफ इन दिस कप। देर इज अ हैंड, देर इज अ दीपक, देर इज अ यू नो शेप मैन और अ वूमेन विच इज डिनोटिंग यू, एंड देन दिस हैंड इन दीपक इज समबडी इज गोइंग टू हेल्प यू और यू जस्ट हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो चलिए अब हम राइट कप में जाते हैं, देखते हैं जिन्होंने राइट कप का सिलेक्शन करा है उनकी रीडिंग क्या कहती है। जिन्होंने राइट कप का सिलेक्ट करा है उनकी रीडिंग क्या कहती है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज एंड लाइक दीजिए और शेयर करिए। अगर आप कॉफ़ी कप रीडिंग सीखना चाहते हैं ऑथेंटिक तरीके से तो प्लीज़ आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फीसेज नेगोशिएबल नहीं हैं, मेरे फीसेज इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जो क्वालिटी, जो टाइम और जो ऑथेंटिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं। तो अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। तो राइट कप देखते हैं, यहाँ पे आधा बना है इनका, बहुत ही कम स्पिल हुआ है जो कि प्रैक्टिकलिटी को शो करता है। तो ये जो भी इंसान है काफी प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कप मुझे दिखा रहा है कि जिन्होंने भी राइट कप को सिलेक्ट करा है उनके पास इस समय या आने वाले टाइम में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मतलब कि काफ़ी जगहों से आपके काफ़ी वैरायटी में अपॉर्चुनिटीज आएंगी और वो अभी इस समय काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि मैं ये सिलेक्ट करूं या वो सिलेक्ट करूं। मल्टीटास्किंग की आदत होगी, मल्टी टैलेंटेड भी होंगे, लेकिन उनको बहुत ही सोच समझ के वो सिलेक्ट करना है जो अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ आ रही है। अब यहाँ पे देखिए आप बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक पूरा एक रोप नज़र आ रहा है, जो एक रस्सी जो ये डिनोट करता है कि आपको ग्रोथ की तरफ, स्काई की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, आपको वो रिस्क लेना है, ऊपर लैडर क्लाइंब करने का। अगर आप डरेंगे गिरने से तो आप ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। एंड फ्री बर्ड, बर्ड नज़र आ रही है तो वो ये शो करता है एक फ्री बर्ड की तरह आपको उड़ना है, मतलब सिर्फ आगे आप जो काम कर रहे हैं, जो फैला रहे हैं अपने काम को फैलाते जाइए बिना इस डर के कि आगे क्या होगा। अच्छा यहाँ पर आप ये जो एक मैन का शेप आ रहा है जो कि एक घुटने के बल बैठा हुआ है, इस तरह से शो कर रहा है जैसे कि कोई प्रेयर मुद्रा में या कहीं आराम की मुद्रा में बैठा है। कुछ कुछ लोगों को शायद ये चलता हुआ भी नज़र आएगा। तो ये ऐसा दिख रहा है कि जो सक्सेस की लैडर है और जो इंडिकेशंस हैं उसकी तरफ इन्होंने कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया है। तो आपको वहाँ पे वापस करना है, उस तरफ वापस जाना है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, उन चीज़ों को बिना रिस्क डर लिए करना है ताकि आप उस ऊंचाई तक पहुंच जाएं जो आपके लिए मेंट करता है। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने वाइट कप ये सिलेक्ट किया, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है आप पे
सूट करें या आप पे ना भी करें। तो अगर आपको रेसोनेट कर रही है तो टेक इट, अगर रेसोनेट नहीं कर रही है तो आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। अब यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि रिलेशनशिप के केस में ये वुमेन का शेप है, ये मैन का शेप है, तो आप लोगों का मैरिज ऑलमोस्ट पक्का हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक बीच में अड़चन डाल रहा है, कोई ना कोई इंसान है जो इस चीज़ को रोक रहा है। तो आपने उसका इंडिकेशन मुझे आगे जाकर यहाँ मिल रहा है, अगेन यहाँ पे एक मैन एंड शेप का ऊंचाई पे आ रहा है जो इन रुकावटों से ऊपर उठ के, अगर आप साथ देंगे एक दूसरे का तो आप इन रुकावटों से ऊपर उठ के अपने रिलेशनशिप को एक बेटर डायरेक्शन और एक कमिटमेंट दे सकते हैं। यही चीज़ें आपके करियर के लिए भी और बिजनेस के लिए भी डिनोट करता है कि अगर आप उस लैडर की तरफ जो एक सक्सेस की सीढ़ी है या जो सक्सेस की तरफ रास्ता जा रहा है उसकी तरफ मुंह ना मोड़ के, उसकी परेशानियों से ना घबरा के उस चैलेंज को टेक ओवर करते हैं, ऊपर उठते हैं, तो आप काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो ये था एक जनरल रीडिंग जिन्होंने राइट कब सेलेक्ट करा। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तो और डिटेल में एनर्जीज निकल कर आती हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं टर्किश कॉफ़ी रीडिंग का, तो आप बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन सेशंस भी अवेलेबल है जिसमें मैं आपके भी आप पे सिप करती हूँ, रीडिंग करती हूँ, या आपके पास टर्किश कॉफ़ी है तो आप बुक कर सकते हैं, और पर्सनल सेशंस भी ऑन डिमांड अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच एंड जस्ट कीप लाइकिंग द चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़।